अमेठी से लोकसभा प्रत्याशी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री चुके हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और क्या दावे हैं उनसे, किस तरीके से वो अपनी उम्मीदवारी को देखती है, हम उनसे बात करते हैं। मैम, न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए शुक्रिया। क्या सबसे मजबूत यूएसपी है आपका इस बार भी सफलता के लिए जो आप दावा कर रही हैं? मोदी की गारंटी। नरेंद्र भाई ने इसी अमेठी में आकर गारंटी दी थी कि अमेठी विकास का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा क्षेत्र में। आज उन्हीं की गारंटी के आधार पर पुनः यहाँ पर मैं प्रत्याशी बनी हूँ। मोदी जी की गारंटी 5 वर्षों में फलीभूत हुई। इस क्षेत्र में हमने 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 1,14,000 घर बनवाए, हमने 4 लाख परिवारों को उनके जीवन में पहली बार शौचालय दिलवाया, 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार विद्युत का कनेक्शन मिला, 2,20,000 परिवारों में पहली बार गैस का कनेक्शन पहुँचा, 3,50,000 घरों में पहली बार नलके का कनेक्शन पहुंचा। ये सब 5 साल, और 5 सालों में से 2 साल आपको याद होगा कोरोना था। तो आज भी जनता जब हमसे मिलती है तो कहती है कि अगर यहाँ राहुल जी सांसद होते तो कभी भी जनता को ना मुफ्त का वैक्सीन मिलता, ना मुफ्त का राशन मिलता। मैं इस बात से संतोष जताना चाहूँगी कि जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ संकल्प किया था, हम उन संकल्पों को पूरा कर पाए हैं। इस बार फिर से राहुल गांधी की उम्मीदवारी की यहाँ से चर्चा है, रायबरेली से प्रियंका के, तो अब फिर से दोबारा आएंगे तो उनका ये कहना है एंटी इनकम्बेंसी जरूर काम करेगी उनके फेवर में, ऐसा कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का मत? देखिए, लापता सांसदों की कभी एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं है, और जहाँ तक कि कौन आएगा कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी, वो हमारा विषय नहीं है। आज जो आपने नामांकन की रैली में लोगों का बहुत बड़ा जमावड़ा देखा, वो भी इतनी तपती धूप में, जहाँ दो लोग भी नहीं चाहेंगे कि तपती धूप में बाहर 2-2.5 घंटे खड़े रहें, वहाँ हुजूम था लोगों का, और वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि पुनः नरेंद्र मोदी की सरकार में एक कमल का फूल अमेठी से जाएगा। स्मृति जी, न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पीएम मोदी ने दिया है और उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है, मुस्लिम लीग की विचारधारा को प्रेरित करता है, पहली बार ऐसा उन्होंने बोला है। मैं उनकी बात से टोटली सहमत हूँ, क्योंकि 2-3 चीज़ें आपको बतलाना चाहूँगी। मुस्लिम लीग जिसने भारत के पार्टीशन में सबसे अहम भूमिका निभाई, ऐसा क्यों है कि राहुल जी उनका समर्थन ले रहे हैं, इसके ऊपर स्पष्टीकरण कभी भी राहुल गांधी ने नहीं दिया। इसके ऊपर स्पष्टीकरण कभी भी राहुल गांधी ने नहीं दिया कि जो प्रतिबंधित है PFI, उसके राजनीतिक जो नेता हैं उनसे उन्होंने वायनाड में समर्थन लेकर चुनाव अपना क्यों लड़ा, उन्होंने क्यों अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा कि वो स्पेशली माइनॉरिटी में और मुस्लिम्स को पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अहमियत देंगे। देखिए, पब्लिक वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब सड़क बनाना, निर्माण कार्य का जो टेंडर होता है उसमें प्राथमिकता धर्म के आधार पर आज तक हमारे देश में नहीं दी गई, ना ही जाति के आधार पर दी गई है। वो मूलतः मूल्यांकन होता है कि व्यक्ति गुणवत्ता का कितना काम कर सकता है। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो सत्य है, इस मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की ही छाप है। एक अंतिम सवाल, अमेठी के लिए आपका अब अगले 5 सालों में सबसे बड़ा सपना क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्लेख किया था 3 करोड़ लखपति दीदियां देश भर में बनेंगी, उसमें से 1 करोड़ बन चुकी हैं। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार 13,000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ लखपति दीदी बनी हैं। हमारा संकल्प है कि अगले 5 सालों में 50,000 महिलाएं अमेठी में लखपति दीदी बने। ये भी हमने सुनिश्चित किया है कि हर ग्राम पंचायत में क्या क्या काम करना है, साथ ही ब्लॉक लेवल पर, विधानसभा लेवल पर हम वो सारे कार्यों की फहरिस्त जनता के मध्य में बैठकर ही बनाते हैं और उनको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से, जैसे कि नरेंद्र भाई ने कहा कि आगामी 5 वर्ष न सिर्फ किसान सम्मान निधि सुनिश्चित होगी, हमारी अमेठी में पहली बार, और आप तो स्तब्ध होंगे जानकर कि हमारे यहाँ 6,000 से ज़्यादा MSME वर्तमान में भारत सरकार के साथ पंजीकृत हैं। इन 5 वर्षों में संसद में भी इस बात का जिक्र किया जी, 5 वर्षों में हमारे यहाँ कृषि के लिए, लघु उद्योग के लिए लगभग 7,800 करोड़ का ऋण दिया गया है। साथ ही साउथ एशिया की सबसे बड़ी कोका कोला की बॉटलिंग प्लांट भी यहाँ है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पोल्ट्री का जो फीड का जो फैक्ट्री है वो भी अमेठी में है। तो जनता ही जानती है कि अगर 5 साल में हम इतना सब काम कर सकते थे तो आगामी 5 साल में भी नरेंद्र मोदी की सरकार में यहाँ पर प्रमुख रूप से विकास ही होगा। एक विस्तृत एजेंडा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के लिए न्यूज 18 इंडिया के सामने पेश किया और बताया कि अब उनका अगले 5 सालों के लिए क्या है सपना।